हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। 5 जुलाई यानी कि अंतिम दिन यहाँ पर हमने आपके लिए सुबह नौ बजे से आपके 12 घंटे के मैराथन क्लास यानी कि महासंग्राम स्टार्ट किया था और उसकी यहाँ पर अंतिम क्लास चली यानी कि विज्ञान के। सबसे पहले आपको सामान्य ज्ञान, रीजनिंग की पूरे 3 घंटे लाइव चली। उसके बाद आपका हिंदी और कला और आपका कला वर्ग और आपका गणित की यहाँ पर आपके सारी की सारी मैराथन क्लास आपकी चली हैं। आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। सभी को अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यानी कि टी फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत अच्छे से एग्जाम करके आएंगे। तो हम विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे एक क्विक रिवीजन के तौर पे, क्योंकि आपका ये टाइम बहुत कीमती है। इस टाइम तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बिल्कुल एकदम क्विक रिवीजन के तौर पे आप देखेंगे। बस आपको लेटे वीडियो को देखते रहना है और वीडियो को लाइक शेयर और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ध्यान से कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है आप यूपी ट्रिपल सी पैट की भी हम तैयारी कराएंगे, यूपी प्लस की भी तैयारी कराएंगे और बीएड से संपूर्ण काउंसलिंग स्कॉलरशिप जो भी आपका बीएड पूरे 2 साल के सफर में हम आपके साथ हैं। फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आपका ज़्यादा टाइम आपको बिल्कुल नहीं लेंगे। सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके साइंस के हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और हमने कुछ न्यूमेरिकल को भी यहाँ पर मतलब इग्नोर किया है। जो आपके न्यूमेरिकल के बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, दो से तीन ही आते हैं, ठीक है, वो आपके ज़्यादा नहीं आते। तो हम आपको जो अदर क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस कराने वाले हैं। आपका जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं आपके 12 से 13 क्वेश्चन आएंगे, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 12 से आपके 13 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सिर्फ आपके साइंस के 12 से 13। आपका मतलब कि 12-13 ऐसे नहीं, पूरे साइंस के आएंगे। फिजिक्स के होगा, उसमें केमिस्ट्री होगा, फिर आपको जो है पीसीबी यानी कि आपका मैथ होगा। तो 12-13 फिजिक्स के आ जाएंगे, 12-13 आपके केमिस्ट्री के आ जाएंगे, 12-13 आपके बायो के आ जाएंगे और 12-13 आपके मैथ के आ जाएंगे। इस प्रकार से 12-13 का रेशियो चलता है, पूरे आपके 50 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन या फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड? बस आपको फटाफट से आंसर देना है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लगातार करते रहना। पहले का ऑप्शन ए हो जाएगा भैया, नाइट्रोजन। फटाफट से चलेंगे, फटाफट से टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे आपका। आपको बस एक क्विक रिवीजन के तौर पर इस क्लास को लेना है। आपको जितने प्रीवियस क्वेश्चन उनका फटाफट से रिवीजन कि आपने कितना आपको ठीक है कितना आपने जो है तैयार कर लिया, नहीं किया तो आपको बस यहाँ पर आंसर देना है। और अगर आपका गलत हुआ तो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि उसका क्या सही आंसर है, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण आपको सिंपल पता है, बिल्कुल ऑप्शन पढ़ना नहीं है। पृथ्वी का तापमान भैया बढ़ता है, ठीक है, चलिए या बढ़ रहा है। बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? 1973 में, 1976 में, 1978 में, 1983 में। लगातार कमेंट करते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, ठीक है। कुछ भी नहीं है, सारे के सारे आपको क्विक रिविजन है, प्रीवियस क्वेश्चन, बस आपको उन्हीं की रिविजन यहाँ पर करा रहे हैं। 1973 में भैया, ठीक है। चलिए वायुमंडल की सबसे निचली परत देखिए, आपसे पूछता वायुमंडल सबसे ऊपरी परत, सबसे निचली परत, तो आपको सारी परतों का ज्ञान होना चाहिए और अच्छे से आप लोग यहाँ पर याद इसके सीक्वेंस को याद कर लेंगे। और जो सबसे निचली परत होती है वह आपका फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षोभ मंडल। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के, आपका इकोतंत्र शब्द किसने दिया? ओडम ने, बीवर तथा क्लीमेंटन ने, टेंसले ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिफ्थ का फटाफट से आप लोग बताएं, फिफ्थ का क्या आंसर हो जाएगा? टेंसले ने, यानी कि भैया फिफ्थ का सी आंसर हो जाएगा। एकदम क्विक रिवीजन धड़ाधड़ चल रहा है, आप लोग बस क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहेंगे, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस, इसमें तो कुछ है नहीं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया था? तो सभी को पता है विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। बात करेंगे भैया क्वेश्चन नंबर आपका 7 की, ठीक है। पर्यावरण शिक्षा आपको क्या देगी? जाहिर सी बात है पर्यावरण की जानकारी ही देगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर फर्स्ट का 7th का ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ज़्यादा ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर भैया 8 है, पर्यावरण दिवस कब मनाया था? 14 नवंबर, 1 अप्रैल, 5 जून और 11 जुलाई, ठीक है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता? तो अभी हाल ही में आपका पर्यावरण दिवस निकला है, यानी कि 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस भैया मनाया जाता। क्वेश्चन नंबर आप आगे देखें, क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है यहाँ पर, ठीक है। निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा आपका उर्वरक हो जाता है, ठीक है। इसमें से एजोला में आप क्या मिलाएं कि एक अच्छा उर्वरक यहाँ पर बन जाए, तो इसको आपको बताना है यहाँ पर आपका क्या सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ए हो जाएगा आपका नील हरित शैवाल। क्वेश्चन नंबर आप सेकंड में देखेंगे भैया, भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन है? तो आपको जो जी के जी एस की क्लास है उसमें आपको बहुत अच्छे से बताया श्रीवास्तव सर ने कि आपका हरित क्रांति के पितामह कौन है भारत के अंदर। तो यहाँ पर आपका सेकंड का बी ऑप्शन हो जाएगा भैया, MS स्वामीनाथन जी। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, भूरी क्रांति किसे कहते हैं? भूरी क्रांति कैसे करना? फटाफट आपको बस आंसर देना है, फटाफट से आंसर देना है और लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपको कर देना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भूरी क्रांति भैया किसे कहते हैं? भारत के खाद्य प्रसंस्करण और आपका शीतल पेयों के उद्योगों के विकास के लिए यहाँ पर इसको भूरी क्रांति यहाँ पर जानी जाती है। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपको बताना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ में आपका भैया ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से, उद्योग से, बीमा से, आपके बैंकिंग से? हरित क्रांति फटाफट से बताएंगे क्या हो जाएगा, कृषि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड आपका किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर आपको 6 बताएंगे, क्विक रिवीजन चल रहा है क्योंकि आपके टाइम के इस टाइम बहुत ही वैल्यू है हमारे लिए, ठीक है।
और आपके लिए भी अपने टाइम की बहुत वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि आपका कल एग्जाम है, तो उसी प्रकार से लेते हैं। आप यहाँ पर बताएंगे ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, 6 का आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा भैया, दूध से। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था, बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस सारे क्वेश्चन, फटाफट से इनको रिविजन कर लेते हैं। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था, तो यहाँ पर आपका कृषि के क्षेत्र में दिया था, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस फसल के प्रति हेक्टेयर पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, जो मक्का, गन्ना या फिर गेहूं, बताइए फटाफट से भैया। गन्ने में, गन्ने में सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। रेशम कीट भोजन किस पर निर्भर रहते हैं, किस पर निर्भर रहते हैं भोजन के हेतु, रेशम कीट भोजन हेतु किस पर निर्भर रहता है, कीटों पर, सहतूत की पत्तियों पर, घास पर या फिर इनमें से किसी पर नहीं, तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सहतूत की पत्तियों पर, ठीक है। चलिए, वह सूक्ष्म जीवी जो नाइट्रोजन चक्र में मुख्य भूमिका अदा करता है, वह सूक्ष्म जीव कौन सा है जो नाइट्रोजन चक्र में मुख्य भूमिका अदा करता है, जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु या फिर आपका शैवाल, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जीवाणु। चलिए, क्वेश्चन नंबर भी आपका 11 है। भंडार गृह में संग्रहित आलुओं के पार्श्वीय कलियों का अंकुरण रोकने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपको बताना, क्वेश्चन नंबर 11 में आपका क्या आंसर हो जाएगा, इसमें आपका इंडोल एसिटिक एसिड यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, हरित क्रांति की सफलता से संबंधित कौन से आपके वैज्ञानिक साहब हैं, नॉर्मन बोरलॉग जी, जेसीबी बोस जी, एसएस भट्टांगर जी या फिर आपको बीआर राव, तो हरित क्रांति की बात करेगी तो यहाँ पर आपका 12th का आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका, नॉर्मन बोरलॉग जी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, सबसे प्राचीन संवहनी पौधा कौन सा जो कि सजीव है, भूरा शैवाल, मॉस, फर्न और आपका साइकस, तो यहाँ पर आपका 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फर्न, फर्न, ठीक है। चलिए चलिए, प्याज की तीखी गंध का कारण है, प्याज की तीखी गंध का कारण, फटाफट से बस आपको आंसर देना है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, लगातार आपको शेयर करते रहना है। प्याज की तीखी गंध का क्या कारण है, आपको पता है सल्फर योगिक इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा पढ़ने वाली बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट आ चुका, रुधिर कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग को हम क्या कहते हैं, यानी कि रुधिर में आपका श्वेत रुधिर कणिकाओं की अगर अत्यधिक मात्रा हो जाती है तो उस रोग को हम क्या कहते हैं, एनोक्सिया, ल्यूकेमिया, एनीमिया या फिर आपका सेप्टिसीमिया। क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट का यहाँ पर फटाफट से आंसर देंगे, आपका फर्स्ट का यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, आपको फटाफट से यहाँ पर बता देना है जल्दी से, ठीक है, ए बी सी डी, तो इसका बी हो जाएगा आपका क्या, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया इसका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, लिम्फोसाइट्स से रक्षा करते हैं, लिम्फोसाइट्स किसकी रक्षा करते हैं, रोगाणुओं से, ठीक है, लिम्फ से या फिर आपका श्वेताणुओं से या फिर भैया आपका विष से, लिम्फोसाइट किससे रक्षा करती है, तो आपका रोगाणुओं से रक्षा करते हैं, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पृथ्वी जैविक विषाणु जनित रोगों पर प्रभाव नहीं दिखाती है, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि आपका जो विषाणु पृथ्वी जैविक रोधी होते हैं या फिर भैया विषाणुओं में अपना प्रोटीन संश्लेषण तंत्र नहीं होता है, विषाणु परजीवी होते हैं, विषाणु पर कोशिका भित्ति होती है, तो आपका थर्ड का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, विषाणु में अपना प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर आपका 4th है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वहन कौन करता है, स्त्रियां करती हैं, पुरुष करते हैं, ठीक है, इसमें आपका सभी चीज़ें लिखी, इसमें आपको बताना कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें बी हो जाएगा आपका, स्त्रियां करती हैं और जो प्रकट पुरुषों में होता है, ठीक है। चलिए, बात करें क्वेश्चन नंबर आपका 5th का, सर्पदाता रुद्र, देखिए ये वाला क्वेश्चन 100% मतलब कई बार आपसे एग्जाम पूछा गया है, तो आपको 5th वाला क्वेश्चन एकदम रट लेना है, 5th वाला आपका क्वेश्चन एकदम जो है रट लेना भैया, ठीक है। सर्पदाता रुद्र पर कौन सा हो जाएगा आपका, तो 5th वाले यहाँ पर कौन सा आपको बताना, 5th वाला यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा भैया, ए ऑप्शन हो जाएगा ओ, ठीक है, ओ आपका यहाँ पर ए ऑप्शन जो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। श्वेत फुप्पस रोग पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, आपको पता है श्वेत फुप्पस रोग किसकी वजह से हो जाता है और कहाँ पाया जाता है, कागज उद्योग में पाया जाता है, सीमेंट उद्योग में, कपास उद्योग में, फिर आपका पीड़क नाशक उद्योग में, फटाफट से क्विक रिविजन के तौर पर आप इसको लीजिएगा और फटाफट से आप रिविजन क्विक रिविजन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, पीड़क नाशक उद्योग के कर्मचारियों में आपका श्वेत फुप्पस रोग आपका पाया जाता है। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, आयोडोफॉर्म का रूप किस रूप में किया जाता है, ज्वर रोधी में, पीड़ाहारी में, ठीक है, पूतिरोधी में या फिर आपका संज्ञाहारी यानी कि निश्चेतक में, ठीक है। चलिए, आप इसमें बताएंगे आपका क्या आंसर हो जाएगा भैया, क्वेश्चन नंबर आपका 7th यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, पूतिरोधी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है, ठीक है, तो अभी आपको ऊपर ही बताया, इससे संबंधित हमने आपको भी ऊपर ही क्वेश्चन बताया था, श्वेत रक्त कोशिकाओं के यहाँ पर बढ़ने कारण हो जाता है, जैसे कि अभी ऊपर हमने क्वेश्चन में बताया था। क्वेश्चन नंबर आपका 9th है, एडिसन रोग किस हार्मोन के अल्प श्रावण के कारण हो जाता है, इंसुलिन के कारण, एड्रेनल, ठीक है, ग्लूकोकार्टिकाइड या फिर आपका भैया थायरोक्सिन, ठीक है, 9th का आपको आंसर बताएंगे यहाँ पर, आपका 9th का क्या आंसर हो जाएगा, तो वेरी गुड, 9th का सी हो जाएगा आपका, ग्लूकोकार्टिकाइड से जो आपका एडिसन रोग इस हार्मोन के कारण अल्प श्रावण के कारण हो जाता है, ठीक है। चलिए, रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है, रक्तचाप आपका किससे नियंत्रित होता है, किससे नियंत्रित होता है, थायरॉयड से, थायमस से, एड्रेनल से या फिर आपका पैराथायरॉयड से, ठीक है, फटाफट आप बताएंगे, तो वेरी गुड, इसमें आपका एड्रेनल हो जाएगा, एड्रेनल ग्रंथि से आपका जो है रक्तचाप नियंत्रित होता है।
क्वेश्चन नंबर भी आपका 11th है, टाइफाइड। टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? फेफड़े, आंत, यकृत या फिर आपका प्लीहा। क्वेश्चन नंबर 11th का आप लोग आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग जो है 11th का आंसर देंगे, इसमें आपका क्या हो जाएगा? आंत इसमें हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर भी आपका 12th है, ECG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ECG आपने सुना होगा, ECG क्यों होता है आपको बताना, ECG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? क्विक रिविजन के तौर पर फटाफट से हम लोग रिविजन कर रहे हैं, आप लोग उस वीडियो को लाइक करिएगा, फटाफट से आप लोग जो आंसर देते रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर 12th का आपका ए हो जाएगा हृदय, ठीक है, आपको सबको पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता? कौन सा रोग आपका विषाणु से नहीं होता? चेचक, पोलियो, प्लेग या फिर आपका खसरा? क्वेश्चन नंबर 13 का आप बताएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? प्लेग यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज क्या होते हैं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, स्टेरॉल्स या फिर आपका ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आप बताएंगे, इसका आपका बी हो जाएगा भैया, प्रोटीन्स। चलिए, पेयजल में फ्लोरीन की कमी से होता है, पेयजल में फ्लोरीन की कमी से क्या होता है आपको पता है? कैरीज या फिर दंत फ्लोरोसिस या फिर कंकाल फ्लोरोसिस या फिर आपका घेंगा रोग होता है, तो यहाँ पर फ्लोरीन आपका ए हो जाएगा, दंत क्षण यानी कि कैरीज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, आहार में आयोडीन की कमी से क्या होता है? आहार में आयोडीन की कमी से क्या होता है? रिकेटस हो जाता है, मोटापा या फिर स्कर्वी या फिर आपका घेंगा रोग हो जाता है, यहाँ पर आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, घेंगा रोग यहाँ पर हो जाता है आयोडीन की कमी से आहार में। रक्त किस समूह में कोई एंटीजन नहीं होता है? रक्त समूह ओ, ए बी या फिर आपका ए बी, तो यहाँ पर आपका 17 का ए हो जाएगा भैया, रक्त समूह ओ। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, निम्न में से किस एक जोड़े में विवाह बच्चे की मृत्यु के कारण हो सकता है? विवाह बच्चे की मृत्यु का कारण हो सकता है? RH प्लस पिता, RH माइनस माता, तो आपको इसको यहाँ पर देखना, UP 2008 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, RH प्लस पिता और RH माइनस माता, ठीक है। चलिए, घेंगा रोग किससे प्रभावित होता है? तो अभी आपको बताया था, ठीक है, घेंगा रोग किसे प्रभावित करता है, तो यहाँ पर आपको बताना, उपापचय को, दृष्टि को, उत्सर्जन को या फिर आपका बोलना को। क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग आंसर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 19 के आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि बोलने को। क्वेश्चन नंबर भैया आपका फर्स्ट है, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन निम्न में से कौन सा है? इसमें आपको बताना, मॉर्फिन, निकोटीन, हेरोइन और आपका क्विनिन। तो ये तो आपको पता है, यहाँ पर क्या, निकोटीन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब ब्रेक कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा आपका पदार्थ जमा हो जाता है? बसा, प्रोटीन, शर्करा या फिर आपका नाइट्रोजनित अपशिष्ट पदार्थ, कहाँ? बॉडी में या फिर आपका रुधिर में, आपको बताया, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, रुधिर में आपका नाइट्रोजनित अपशिष्ट पदार्थ जो है जमा हो जाते हैं, उस प्रकार से आपका जो यहाँ पर ब्रेक कार्य करना बंद कर देता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है, फेरोमोन्स पाए जाते हैं, फेरोमोन्स कहाँ पाए जाते हैं? कीटों में, सांपों में, पक्षियों में, आपका चमगादड़ों में। फटाफट आपका क्विक रिवीजन चल रहा है, फटाफट बस आपको आंसर देना है, आपको बस देखते रहना लेटे, ठीक है, आराम करते करते लेटे आपको देखते रहना, और टाइम से आपको पूरी यहाँ पर नींद भी लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर 3rd का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा भैया, कीटों में। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 4th की, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? अपोहन का प्रयोग किस क्रिया के लिए पूरा करने के लिए होता है? फेफड़े, हृदय, एकरत या फिर भैया गुर्दे? फोर्थ को बताएंगे, ठीक है, यहाँ पर आपका गुर्दे बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा, डी। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव के कारण होने लगता है, ठीक है, थकान अनुभव होने के कारण होने लगता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, पेशी तंतुओं की थोड़ी बहुत टूट फूट, ग्लूकोज का अपचय या फिर आपका लैक्टिक अम्ल का संचय, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल यानी कि लैक्टिक एसिड का आपका संचय। मानव शरीर में पुक्ष कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो आप यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, बृहदान्त्र, ठीक है। चलिए, दिल का दौरा किस कारण होता है? दिल का दौरा किस कारण से होता है आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 7th में यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। चलिए, हाइड्रा के अंडाशय में कितने अंडाणु बनते हैं? ठीक है, हाइड्रा के अंडाशय के कितने अंडाणु बनते हैं? 2, 4, 1 या फिर आपका 3? तो यहाँ पर आपका सी आंसर हो जाएगा, 1। चलिए, वृक्षों पर पाया जाने वाला मेंढक बताइए। ऐसा भी मेंढक जो आपका वृक्ष पर पाया जाता है, तो वृक्षों पर पाया जाने वाले मेंढक को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर आपको बताना, 9th का यहाँ पर क्या आपका आंसर हो जाएगा? तो इसका सी हो जाएगा भैया, हाइला, ठीक है, हाइला नहीं है, हाइला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर भी आपका 10th है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो यहाँ पर आपको बताना, 10th का आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, उरुअस्थि। चलिए, क्वेश्चन नंबर भी आपका 11th है, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर आपका 11th का यहाँ पर बताना, श्रव्य, ठीक है, अवध्वनिक, पराश्रव्य या फिर आपका अवश्रव्य। तो आपका चमगादड़ की ध्वनि होती है, आपका जो है पराश्रव्य होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12th, फटाफट देखिए, आपका टाइम इस टाइम बहुत ही वैल्यूएबल है, तो फटाफट से क्विक रिविजन कर रहे हैं आप लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 12th का आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका एनोक्सी यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
ट्वेल्थ का, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 13 है भैया, निम्नलिखित में से किस एक समुच्चय के सभी चारों प्राणी शिशुओं को जन्म देने वाले हैं, ठीक है। कौन से ऐसे चार प्राणी हैं जो कि सभी चारों के चारों प्राणी शिशुओं को जन्म देते हैं, तो यहाँ पर आपका 13 का कौन सा आंसर होगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लेटिपस, व्हेल, चमगादड़ और आपका दरियाई घोड़ा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, मायोग्लोबिन पाया जाता है, मायोग्लोबिन पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, आपको 14 बताना है, ठीक है। पेशियों में, रुधिर में, यकृत में, आपको प्लीहा में, फटाफट से आंसर देंगे फटाफट से, ठीक है। पेशियों में आपका जो मायोग्लोबिन पाया जाता है। क्वेश्चन में आपका 15 है, भ्रूण में श्वसन का कार्य किसके द्वारा किया था, फटाफट से चलने फटाफट से, ठीक है। भ्रूण में श्वसन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, ऑक्टोरियन, ठीक है, एमिनॉन, या फिर आपका अपरापोष्का, या फिर आपका पीतक कोष। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 अपर आपका सी हो जाएगा, अपरापोष्का। और अगर आपने सुबह वाली हिंदी या रीजनिंग या फिर सामान्य ज्ञान कोई क्लास छोड़ दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 2x की स्पीड में लगाकर उसको फटाफट देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 16 बताएंगे, अपन निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन निहित होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन निहित होता है, आपको बताना क्वेश्चन नंबर 16 में, तो यहां पर आपका थायरॉक्सिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रुधिर के किस घटक को हमारे शरीर की रक्षक कोशिका कहा जाता है, रक्षक कोशिका कहा जाता है, इसमें आपको बताना क्वेश्चन नंबर 17 का यहां पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। लाल रुधिरगढ़ का, प्लेटलेट प्लाज़ा, या फिर आपका श्वेत रुधिराणु, तो यहां पर आपका 17 का आंसर नंबर डी हो जाएगा भैया, श्वेत रुधिराणु। मानवों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, फिर हम कह सकते हैं मानवों में लिंग का निर्धारण होता है विटामिनों द्वारा, गुणसूत्रों द्वारा, पोषक तत्वों द्वारा, फिर आपका हार्मोनों द्वारा, तो 18 का सिंपल आंसर है गुणसूत्रों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, हमारे शरीर में धमनियों का क्या काम है, हमारे शरीर में धमनियाँ क्या काम करती हैं, ठीक है। तो आपने 10th लेवल में क्वेश्चन पढ़ा होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हृदय से रुधिर का बहन करना, ठीक है, खूब आपने रटा होगा 10th में। चलिए निद्रा के दौरान मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, यानी कि सोते समय, यानी कि निद्रा के दौरान मनुष्य का रक्तचाप घटता बढ़ता है, फिर आपका स्थिर रहता है, तो 20 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, पुरुषों में यूरिया बनता है कहाँ बनता है, यकृत में, वृक्क में, नेफ्रॉन में, आपका मूत्राशय में, तो आपका 21 का कौन सा ऑप्शन आएगा आपको बताना है, पुरुषों में यूरिया कहाँ बनता है, 21st की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, 21st के यहाँ पर आपको आंसर आपको बताना है, ठीक है, यहाँ पर बी हो जाएगा आपका यकृत में। चलिए बात करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर भैया 22 की, श्वेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपको बताना है, 22 का यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, शरीर के अपशिष्ट से मुक्ति पाना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, तो आपका श्वेदन का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह आपका बी हो जाएगा, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, ईसीजी उपकरण किसको दर्ज करता है, तो अभी हमने बात की ईसीजी उपकरण किसको दर्ज करता है, देखिए बिल्कुल एकदम पसीने से नहा चुके हैं, तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आपको सच में लगता है कि हमने आपकी हेल्प की है या फिर आपके लिए कुछ किया है और आने वाले दिनों में हम आपके लिए कुछ करेंगे, ठीक है। अगर आपको भरोसा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कल आप जब अपने एग्जाम सेंटर पर, तो वहां पर जितने लोग भी आपको मिले, आप लोग सबसे कहें कि टारगेट एंट्रेंस एग्जाम आपका खुद का चैनल है, आपका अपना चैनल है, आपके अपने भाई का चैनल, आपके अपने सर का चैनल, जो भी आप कहना चाहते हैं कहें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में हमारी मदद करें। तो आपको पता है 23 यहां पर क्या हो जाएगा, 23 का आपका जो है आंसर नंबर यहां पर ए हो जाएगा, हृदय पेशियों का विभवांतर, ठीक है। चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 24, अनुवांशिकता का किसने नियम दिया था, अनुवांशिकता का नियम किसने दिया था, मेंडल ने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम, ये बिल्कुल बहुत ही फेमस क्वेश्चन और कई सारे एग्जाम्स में लगातार पूछा जा रहा है, मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा होता है, तो वहाँ पर टायलिन होता है, उसको आपको ध्यान रखना है। कम्युनिटी टैब पर भी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ऑक्सीजन फेफड़ों में अंतः पहुँचती है कहाँ पहुँचती है, 26 का ए हो जाएगा आपका, कुपिका में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, हीमोग्लोबिन से सबसे अधिक बंधुता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की, ठीक है, या फिर आपका ऑक्सीजन की, या फिर आपका NH3 यानी कि अमोनिया की, ठीक है। तो यहाँ पर 27 का आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर आपका जो बी हो जाएगा, CO की। चलिए भैया निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन बहन में सक्षम है, लसका, सीरम, रक्त, या फिर आपका प्लाज्मा, तो यहाँ पर 28 का कौन सा हो जाएगा, रक्त, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लैक्टेलियस, ठीक है, लैक्टियल्स यानी कि लैक्टियल्स कहाँ पाए जाते हैं, आपको पता है एकरत में, फेफड़ों में, वृक्कों में, या फिर आपका आंतों की रंसाकुर में, सारे प्रीवियस क्वेश्चन बस आपके क्विक रिविजन के तौर पर यहाँ पर कराए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, आंतों की रंसाकुर में। अधाश्लेष्मका सबसे मोटी होती है, ठीक है, आमाशय में, गृषिका में, आंत में, या फिर आपका मलाशय में, तो यहाँ पर 30 का आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, गृषिका में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, अंधेरे में किस हार्मोन का स्राव अधिक होता है, इंसुलिन, एड्रेनलिन, ठीक है, थायरॉक्सिन, या फिर आपका मेलाटोनिन। 31st का आपको बताएंगे, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, मेलाटोनिन। चलिए 32 आपका नासा कोष्ठ को पृथक करती है, उपास्थि कौन सी, आपकी उपास्थि यहाँ पर इसको जो है
जो है उपास्थि सॉरी यहाँ पर क्या करती है, नासा कोस्ट को पृथक करती है, तो यहाँ पर आपका 32 का आंसर नंबर आपका जो है सी सी हो जाएगा, क्रिकेट। ठीक है, बाकी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फटाफट यहाँ पर देखते हैं। बस आपको क्या करना है, यूपी बीट प्रेस परीक्षा के लिए आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आपको संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया स्कॉलरशिप प्रक्रिया सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा, और यूपी ट्रिपल सी पैट यूपी प्लस उसकी भी आपको यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए, नारियल का खाने योग्य कौन सा भाग होता है, नारियल का खाने योग्य कौन सा भाग होता है, फलभित्ति, ठीक है, या फिर आपका भ्रूणपोष, या फिर आपका पूर्ण बीज, या फिर आपका बीजा आवरण, फटाफट से बताएंगे बताएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट से आप बताएंगे यहाँ पर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, नारियल का खाने योग्य कौन सा भाग होता है, तो यहाँ पर आपका एक आपका जो है ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, फलभित्ति। ठीक है, फलभित्ति यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, एक मिनट, फलभित्ति नहीं होगा, इसमें आपका भ्रूणपोष होगा। ठीक है, आंसर नंबर आपका फर्स्ट का जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर आंसर नंबर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड की तरफ, सजीवों की समस्त क्रियाओं को निम्न भागों में बांटा जाता है। ठीक है, सजीवों की समस्त क्रियाओं को निम्न दो भागों में बांटा जाता है, किसमें किसमें बांटा था आपको यहाँ पर बताना, क्वेश्चन नंबर सेकंड की यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर आपको बताना क्वेश्चन में सेकंड में आपका क्या आंसर हो जाएगा, तो सेकंड का बिल्कुल सही डी हो जाएगा, प्रजनन एवं अंतः स्वायत्तता। चलिए, माइकोराइजा, ठीक है, माइकोराइजा सॉरी माइकोराइजा एक संबंध है, एक संबंध है, किसमें है आपका बताना, किसमें किसमें आपका संबंध है, तो यहाँ पर आपका थर्ड का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्चतर पादप और कवक का। चलिए चलिए, रिसरपाइन प्राप्त होती है, रिसरपाइन किससे प्राप्त होती है, सिंकोना से, सर्पगंधा से, नीम से, या फिर भैया गेंदा से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, सर्पगंधा से, यानी कि फोर्थ का बी आपका बिल्कुल ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है, बे पौधे जिनमें पुष्प जीवन चक्र में एक बार ही खिलते हैं, बे पौधे जिनमें पुष्प जीवन चक्र में एक बार ही खिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आपका गोनोकार्पिक कहते हैं, गोनोकार्पिक कहते हैं, नाम ध्यान रखिए, गोनोकार्पिक कहते हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, पौधों को ताप के आधार पर चार वर्गों में बांटने वाले कौन से हमारे वैज्ञानिक साहब थे, जिन्होंने टेम्परेचर के आधार पर चार वर्गों में पौधों को बांटा था, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, रावणक्रिया। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका सेवन्थ है, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, किस पेड़ की छाल आपके मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, दालचीनी, लौंग, नीम, या फिर आपका पाम। ठीक है, तो सेवन्थ का आपका ए हो जाएगा, आपका दालचीनी। ठीक है, दालचीनी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका एट है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में कम समय में एक ही जैसे एक कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किया सकते हैं, तो किस किस प्रणाली से उत्पन्न किया सकते हैं, आपको यहाँ पर बताना है, एट का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऊतक संवर्धन टेक्निक से। ठीक है, यानी कि तकनीक से। चलिए, खाद्य कड़ी में निम्न में से कौन सा आपका क्रम सही हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको सीधा आंसर बताते हैं, नाइन्थ का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लैंकटॉन, और आपका जू प्लैंकटॉन आपका यहाँ पर मछली, यानी कि टेंथ का ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपका टेंथ की तरफ, साइकस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य ठीक नहीं है, किसके बारे में बात की गई, साइकस के बारे में की गई। टेंथ के यहाँ पर आपको ऑप्शन आपको बताना, चार ऑप्शन पढ़ लेने, क्विक रिविजन यहाँ पर चला, लगातार आपका रिविजन चल रहा है, आप लोग बस फटाफट से आंसर देखेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, टेंथ का आपका सी हो जाएगा, इसमें कुंडलित किस लय जो है विन्यास होता है, यानी कि कॉन्फिग्रेशन होता है। चलिए, क्वेश्चन आप इलेवंथ बताएंगे, चतुर्दीर्घी स्थिति पाई जाती है, आपको पता है किसमें पाई जाती है, क्वेश्चन नंबर इलेवंथ में आपको बताना है यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर इलेवंथ में क्रूसी फेरी फुल में, ठीक है, या फिर आपका मालवेसी कुल में, सोलोन एसी कुल में, या फिर आपका लीली एसी कुल में। ठीक है, तो इलेवंथ का आपका कौन सा आंसर होगा बताइएगा, ए हो जाएगा आपका, क्रूसी फेरी कुल में। देखिए, क्विक रिविजन है, तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ आंसर करेंगे, तो आप लोगों को बस एक रिविजन के तौर पर क्लास चलाई जा रही है, ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे और फटाफट से आपका जो है रिविजन यहाँ पर हो जाए। केसिया फिशुला के फूलों का रंग कैसा होता है, लाल होता है, पीला होता है, सफ़ेद होता है, फिर आपका गुलाबी होता है, तो यहाँ पर आपका पीला होता है। ठीक है, चलिए, मटर 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 में किस प्रकार मटर में किस प्रकार का बीजा बीजा जो है बीज अंडा से अंड न्यास पाया जाता है। ठीक है, आधारीय, अक्षीय, मुक्तक्षीय, या फिर आपका सीमांतीय। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा भैया, सीमांतीय। सबसे बड़े पुष्प वाला आवृतबीजी है, सबसे बड़े पुष्प वाला आवृतबीजी है आंशिक मूल परजीवी। अगर देखिए आपने सारे क्वेश्चन पढ़ रखे हैं प्रीवियस क्वेश्चन, तो आपको बस रिवीजन के तौर पे इन क्वेश्चंस को देखना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, बस आपको आंसर एबीसी देना है और आपको देखना कि आपने कितना रिविजन किया, आप कितना यहाँ पर आंसर को ठीक कर पा रहे हैं, तो अपर सी हो जाएगा, पूर्ण मूल परजीवी। ठीक है, चलिए, पुष्प एक रूपांतरण है जल का, कली का, पिरोहर का, ठीक है, या फिर भैया इनमें से कोई नहीं, तो 15 का आंसर नंबर आपका सी सी हो जाएगा, पिरोहर का। ठीक है, चलिए, बेल का फल क्या है, पोम है, ठीक है, पेपो है, या फिर आपका बेलुस्टा, या फिर आपका एम्फीसार का। ठीक है, बेल का फल, तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा भैया, एम्फीसार का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, मक्के का दाना भ्रूण है, बीज है, या फिर आप उसको फल कह सकते हैं, मक्के के दाने क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर फल कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सी हो जाएगा। फाइटोट्रोन एक यंत्र है जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की बम्बारी करते हैं, या फिर हम लोग प्रोटॉन निकालते हैं, पौधे में उत्परिवर्तन प्रेरित करते हैं, या फिर आपका पादप नियंत्रित वातावरण में उगा जाते हैं, तो 18 का आपका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, पादप नियंत्रित वातावरण में उगा जाते हैं,
तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया था, जो कि आप लोग यहाँ पर पेंट वगैरह में यूज करते होंगे। तारपीन का तेल भाई किससे प्राप्त होता है आपको पता होना चाहिए। तो आपका जो है तारपीन है, इसका मतलब कि ताड़ का वृक्ष से जो उसको प्राप्त किया था, आपको उसको इस तरीके से ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर आप लोग 20 की बात करेंगे, पौधे पौधे का कौन सा हिस्सा श्वसन क्रिया करता है। सारे क्वेश्चन पहले आपके बायो के हैं, फिर आपके केमिस्ट्री के, फिर आपके फिजिक्स के हैं, ठीक है। चलिए, पौधे का कौन सा हिस्सा श्वसन क्रिया करता है, आपको बस आंसर करते रहना है। लाइक वीडियो कर देना, आपको शेयर करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर ध्यान से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की आप बात कर रहे हैं, आप कौन सा पौधे का कौन सा हिस्सा श्वसन क्रिया करता है। भैया ये सभी करते हैं, पत्ती हो चाहे जड़ हो चाहे आपका अंकुरित बीज हो। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, किसी वृक्ष की आयु की संगणना की जाती है, यानी कि वृक्ष की आप कैसे बताते हैं कि कोई वृक्ष आपका कितना पुराना है। तो आपको सिंपल सी बात पता है, वलयाकार छलनों की संख्या के द्वारा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, पादप ऊपर चढ़ते हैं जड़ों के द्वारा, प्रतान के द्वारा, स्त्री केसर के द्वारा और आपका शाखाओं के द्वारा, ठीक है। पूरा एकदम भैया पसीना पसीना हो चुके हैं, पूरा पसीने में आपका जो है पसीने में रंग चुके हैं हम कह सकते हैं। तो आप लोग प्लीज के वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर लगातार करते रहें, और इस मेहनत को सफल बनाना आपके हाथों में, यानी कि आप बहुत अच्छे से पेपर करके आएंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे से पेपर करेंगे एकदम शांति शांति के तरीके से। आपको बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, ठीक है, और ना ही जो आपको सरल क्वेश्चन देख के बहुत जल्दबाजी करनी है। ये हो जाएगा आपको प्रतान के द्वारा, ठीक है। चलिए, बीजांडे में पराग पराग नली किस मार्ग से प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 23 का आप बताएंगे तो आपका बीजांड द्वार आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, सिले जिनेला में नर युग्मक होते हैं, ठीक है। सिले जिनेला में नर युग्मक होते हैं, तो आपका 24 का आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, द्विक शाविक। चलिए, निम्न में से कौन से सुमेलित नहीं है, टमाटर, पोम, केला, बेरी, आम, बेरी या फिर आपका सेब, ड्रूप। यहाँ पर 25 का आपका बी हो जाएगा, केला, बेरी, बाकी आपके तीनों के तीनों यहाँ पर सुमेलित हैं, यानी कि तीनों के तीनों आपके ठीक ऑप्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, जंतु एवं पादपों के वर्गीकरण की इकाई है, तो यहाँ पर आप कौन सा हो जाएगा, 26 का आपका डी हो जाएगा, जाति, ठीक है। चलिए, बांस क्या है, बांस आपका क्या है, घास है, साख है, झाड़ी या फिर आपका जो है वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर 27 का आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बांस क्या होती है, बांस आपकी एक प्रकार की घास ही होती है। क्वेश्चन नंबर आप 28 में बताएंगे, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण दाल वाली फसलें जो वातावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यहाँ पर करते हैं। 28 में आपको बताना है, तो यहाँ पर क्या कौन सी दाल है, मूल गांठ है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, निम्न में से किस पौधे को पुनः उगाने हेतु तने के भाग का प्रयोग किया जाता है, तो 29 का आपका कौन सा डी यहाँ पर हो जाएगा। आपको पता है गन्ने का कोई बीज नहीं होता, जो आपका गन्ना होता है उसी को काट काट के डाला था, भाई आपका बीज जो है होता है, यानी कि उसी के तने के भाग का आप लोग प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, पार्श्वी कलकाएं बनती है, पार्श्वी कलकाएं किससे बनती हैं आपको बताना है। पार्श्वी जो कलकाएं बनती है ये आपका क्या है आपको यहाँ पर बताना। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपका सी हो जाएगा, मुख्य प्रौढ़ शीर्ष के ऊतकों द्वारा। अच्छा चलिए ठीक है, खाली आपके प्रीवियस क्वेश्चन उन्हीं को लेते हैं। डीएनए किससे संबंधित है आपको बताना है। डीएनए भैया किससे संबंधित है, आपको पहला क्वेश्चन आपको इसको आंसर करना है, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा आपको बताना, आरएनए से आपका संबंधित। डीएनए किससे संबंधित, तो आपका आरएनए से डीएनए आपका संबंधित होता है। जीव द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट्स का कार्य क्या होता है, जीव द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट्स का कार्य क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करना, यानी कि एनर्जी प्रदान करना, ठीक है। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, ग्लाइडेन ने तथा श्वान ने, यहाँ पर आपका लुई वेन हॉक ने, यहाँ पर बाउन ने, यहाँ पर आपका रॉबर्ट हुक ने। थर्ड का आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक आपका बिल्कुल ठीक ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, डीएनए व आरएनए में क्या समानता है, तो आपने डीएनए आरएनए खूब पढ़ा होगा 10th में, इसके अंतर और इसकी समानता के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा, क्या होता है, दोनों में एक जैसे प्यूरिन क्षारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, यहाँ पर 5 है, प्रोकैरियोटिक जीवों में अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। अनुवांशिक पदार्थ कौन से होते हैं, तो इसका भी आपका डी आंसर हो जाएगा, वृत्ताकार डीएनए हिस्टोन रहित। चलिए, राइबोसोम की खोज किसने की थी, कॉलिकर ने, पैलाडे ने, यहाँ पर आपका क्लाउज, यहाँ पर आपका पोर्टर ने, ठीक है। 6 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा भैया, पैलाडे ने। क्वेश्चन नंबर भैया 7 है, क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 देखेंगे, कोशिका का दिमाग है केंद्रक या फिर अलावा क्या, फिर इनमें से कोई नहीं, 7th का आप लोग बताएंगे तो यहाँ पर केंद्रक हो जाएगा। कोशिका का दिमाग कैसा होता है आपका, केंद्रक, कोशिका का दिमाग है आपका कौन सा, केंद्रक, जो आपका कोशिका का माइंड कहलाता है। जीवन का भौतिक आधार है भैया जीवद्रव्य, भोजन, कोशिका या फिर आपका केंद्रक, तो आपका जीवन का जो भौतिक आधार है आपका जीवद्रव्य हो जाएगा। फटाफट से क्विक रिविजन के तौर पर आप बस देखते रहेगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ठीक है। चलिए, सैक्रोमाइसिस सेरेब्रेसी है, ठीक है, क्या है आपका, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा, एकेरियोटिक। इतने अजीबो गरीबो नाम होते हैं इनके ना, जिनने फिलहाल बायोलॉजी जिन लोगों ने पढ़ी होगी उनको तो अच्छे से आते होंगे, ठीक है। मैंने फिलहाल बायोलॉजी बहुत कम पढ़ी हुई है, तो अपन 9th का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा भैया, यूकेरियोटिक, ठीक है। चलिए,
कोशिका का, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है, ठीक है, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है, राइबोसोम, ठीक है, पेरोक्सीसोम, लाइसोसोम या फिर आपका स्फेरोसोम, तो 10th का ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राइबोसोम, ठीक है। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चलते हैं, फालतू क्वेश्चन को हटाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चलते हैं क्योंकि आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया, स्कॉलरशिप फॉर्म, इनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंटर से, यानी कि टी पर, तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सभी फ्रेंड्स के साथ अपने चैनल को शेयर भी कर देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फालतू के क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए आगे के क्वेश्चंस पर, यहां पर हम लोग बात करेंगे। चलिए सबसे छोटा पुष्पी पादक है, सबसे छोटा पुष्पी पादक है, ठीक है, पोलीएल्थिया, रेफ्लिसिया या फिर आपका जो है बुल्फिया या फिर आपका मेंजीफेरा, फटाफट से इसका आंसर कर देंगे। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, आप लोग इसका आंसर कर देंगे। आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटा आपका पुष्पी पादक कौन सा हो जाएगा, आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, बुल्फिया। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है यदि पद रेशम कीटों की जैविकी से संबंधित है, यदि पद रेशम कीटों की जैविकी से संबंधित है, इसमें आपको बताना है एपिकल्चर, सेरिकल्चर, सिल्वर कल्चर या फिर आपका पिस्सी कल्चर। क्वेश्चन नंबर सेकंड भैया सेरिकल्चर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर इनको सब हटाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। जावा मानव संबंधित है, क्योंकि आपको पता है आपका टाइम बहुत वैल्यू करता है, तो यहाँ पर हम आपसे प्रीवियस क्वेश्चन को उठाएंगे। जावा मानव संबंधित है, जावा मानव संबंधित है आपका किससे, कॉकेसाइड से प्रजाति से या फिर आपका मंगोलाइड से या फिर निग्रोइड से या फिर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पर आपको कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट का भी हो जाएगा भैया मंगोलाइड से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका सेकंड है उत्परिवर्तन मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं, उत्परिवर्तन मुख्यतः किसको उत्तरदायी होते हैं, यहाँ पर आपको आंसर दिख ही रहा होगा जीवों की विभिन्नता के द्वारा। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलिए केमिस्ट्री आपके आ चुकी है, ठीक है। चलिए जीरो डिग्री, सॉरी कहाँ पर हम लोग चले गए, ठीक है, एक सेकंड दीजिए, हाँ आ गया आ गया। जीरो डिग्री भैया, 0 डिग्री सेल्सियस वाले बर्फ के एक टुकड़े को 0 डिग्री सेल्सियस ताप वाले जल में डालने पर बर्फ का टुकड़ा क्या होगा, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस वाले बर्फ के एक टुकड़े को अगर आप 0 डिग्री टेम्परेचर पर, जीरो मतलब कि आपका 0 डिग्री जो भी आपका है, ठीक है, टेम्परेचर यानी कि ताप वाले जल में डालने पर बर्फ का टुकड़ा क्या करेगा, पिघल जाएगा, नहीं पिघलेगा, कुछ पिघलेगा या फिर आपका समय पर निर्भर करेगा, आपको इसको बताना। क्वेश्चन नंबर आपका जो है कौन सा चला, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड चला, इसको आपको तो इसमें कौन सा उसमें आप बताइएगा, इसमें आपका जो है सेकंड का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं पिघलेगा, ठीक है। चलिए शहद की मक्खी का विष कैसा होता है भैया, जो आपकी मक्खी होती हैं, कौन सी मधुमक्खी होती है, शहद की मक्खी उन्हें हम कहते हैं, उनका जो विष होता है कैसा होता है, उनका विष आपका एसिड होता है यानी कि अम्लीय यहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी बिलियन किस प्रकार बनते हैं, ठीक है, किस विधि द्वारा बनते हैं आपको बताना है, आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी बिलियन बनाते हैं, ठीक है, किस विधि द्वारा बनाते हैं, तो फोर्थ का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उभय अपघटन द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, जो भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट यहाँ पर है प्रवलतम बंध है कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन या फिर कार्बन नाइट्रोजन, तो सबको पता है यहाँ पर कौन सा आपका सी हो जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9th है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्यक गुण है, ठीक है, कौन सा आपका अणुसंख्यक गुण है, परासरण दाब, क्वथनांक, वाष्पदाब या फिर आपका हिमांक। 10th में आप लोगों को खूब रटा हो, ठीक है, 10th और 12th लेवल की साइंस आएगी, बहुत ज़्यादा हाई फाई साइंस नहीं आने वाली, आपको मैं पहले ही बता दूँ, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा आपको परासरण दाब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन यहाँ पर निम्न में से कौन सा हो जाएगा, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर आपका जो है फर्स्ट वाला यहाँ पर है, तो आपको पता है निकोटिन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सबको पता भी होगा इस बारे में, है ना। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक बाष्पशील है, तो यहाँ पर आपका CH3O यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है भैया, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, कई बार आपको पहले ही बता चुका है, एल्किन का ये बीच बीच में क्वेश्चन आता रहता है, सामान्य ज्ञान वाले पार्ट में भी ये क्वेश्चन आपका आ जाता है, CnH2n यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर, ठीक है, फिनॉल का भैया आगे बताइएगा, फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर क्या प्राप्त होता है, फटाफट से आपको बस आंसर देते हुए चलना है, बेंजीन पर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नया है, नया का मतलब क्वेश्चन नंबर 5th है यहाँ पर, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाले उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट में कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पर कैटलिस्ट कौन सा होता है आपका, निकल यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 5th का बी वाला आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। एल्काइन का सूत्र बताइए, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला कौन सा होता है, एल्काइन का आपको सूत्र बताना है, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, C2H2। बढ़ते हैं आपका आगे बढ़ते हैं, आयडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया था, आयडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया था, ज्वररोधी, पीड़ाहारी, पूर्तिरोधी या फिर आपका संज्ञाकारी यानी कि निषेधक, तो अभी आपको बताया था 7th का सी हो जाएगा, पूर्तिरोधी। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 9th है, यहाँ पर 9th को यहाँ पर हम देखेंगे, जल में शर्करा के विलीन होते हैं, आपको बताना, मुक्त परमाणु, मुक्त आयन या फिर आपको मुक्त अणु या फिर आपका मुक्त परमाणु तथा अणु, यहाँ पर बताना आपको क्वेश्चन नंबर 9th आपका क्या सही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 9th का सी हो जाएगा, मुक्त यानी कि फ्री अणु, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका जो भी है क्वेश्चन, अच्छा इसका क्वेश्चन ही कट गया, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 11th यहाँ पर देखेंगे, फ्रॉन 12 क्या है, आपको बताना है, कीटनाशी, प्रशीतक, विलायक या फिर आपका स्नेहक, तो यहाँ पर आपका 11th का आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, प्रशीतक। चलिए
क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, खाद्य पदार्थों का प्रशीतन उन्हें ताज़ा रखता है। खाद्य पदार्थों का प्रशीतन उन्हें ताज़ा रखता है क्योंकि क्या होता है उनमें, क्या होता है आपका, रासायनिक अभिक्रिया धीमी हो जाती है। रासायनिक अभिक्रिया धीमी हो जाती है। किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण भी कहा जाता है, किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। 13 में आपको बताना है, द्रव रूप में स्वर्ण, द्रव रूप में सोडियम, सरसों का तेल या फिर आपका पेट्रोलियम तेल। तो यहाँ पर 13 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, पेट्रोलियम तेल। चलिए नाइट्रोजन एक मुख्य वेवराइट, नाइट्रोजन एक मुख्य कौन सा बताइए इसमें, बिल्कुल यहाँ पर, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्रोटीन। यहाँ पर हो जाएगा 14 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बायोगैस में पाई जाती है, बायोगैस में भैया क्या पाई जाती है, 15 15। बायोगैस में आपके 50 से 70% आपके मेथेन पाई जाती है। एल्काइन का सामान सूत्र आपका क्या हो जाएगा, 16 के ऊपर सी हो जाएगा, CnH2n-2। चलिए निम्नलिखित में सबसे अधिक एसिडिक कौन है, सबसे अधिक आपका एसिडिक कौन है, सबसे अधिक एसिडिक आपका एच कौन सा हो जाएगा, आपको बताना क्वेश्चन नंबर 17 में। तो आपका ए हो जाएगा, CH3COOH एसिटिक एसिड। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक है, इसमें आपको बताना है टेफ्लॉन, ठीक है, पॉलीएथीन सेलुलोज या फिर भैया आपका PVC। इसमें आपको बताना कौन सा आपका जो है प्राथमिक, प्राथमिक यहाँ पर या फिर हम कह सकते हैं सॉरी प्राकृतिक बहुलक है। तो आपका 18 का सी हो जाएगा, सेलुलोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है प्रोटीन की मुख्य संरचना लक्षण, क्वेश्चन नंबर 19 है प्रोटीन की मुख्य संरचना लक्षण है, ठीक है। ईथर बंधता, पेप्टाइड बंधता यानी कि बॉन्ड हम कह सकते हैं, फिर आपका एस्टर। तो 19 में आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका पेप्टाइड, ठीक है। चलिए पेप्टाइड बंधता क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है बनाने की विधि के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण किस प्रकार है, ठीक है। बनाने की विधि के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण जो होता है आपका इस प्रकार होता है, योगात्मक, संघनन या फिर सहबहुलक। तो यहाँ पर 20 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भैया, ए और बी यानी कि योगात्मक और आपका संघनन, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखते हैं, और आपको चीज ध्यान रखनी है, आपको चैनल को अभी अभी आपको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको सारी आने वाली चीजें आपको इसी चैनल पर बताई जाएंगी, बीएड से संबंधित या फिर आप पीटर प्लस सीपैट और यूपी पुलिस की भी आपको तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट इसका आपको बताना, कास्टिक सोडा बिलियन किसका शोषण करेगा, कास्टिक सोडा बिलियन किसका शोषण करेगा, आपको बताना क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट का क्या आंसर हो जाएगा। फटाफट से आपको बताएं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, तो भैया यहाँ पर आपका फर्स्ट का जो आंसर है वह आपका बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए चलिए पर नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, फटाफट से आप बताएंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस आपको आंसर बताते जाना क्वेश्चन को, और आपको लगातार सेशन को शेयर करना है और आपको लाइक कर देना है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बताएंगे पर नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो सेकंड का आपका सी हो जाएगा भैया, HNO4। XeO3 अणु की आकृति क्या होती है, XeO3 अणु की आकृति क्या होती है, टेट्राहेड्रल, ठीक है, पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल या आपका त्रिभुजाकार समतल। तो आपका थर्ड का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिरामिडल, इसके जो शेप यानी कि आकृति आपकी होती है। आवर्त तालिका में जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है भाई, आपका किस आवर्त का होगा भाई, आपको बताना है, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फोर्थ समूह में। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 का डी यानी कि 21%। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, लोहे में जंग कब लगती है या फिर किसकी आवश्यकता होती है, तो आपका ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता होती है लोहे में जंग लगने के लिए, ठीक है। बाहर पड़ा रहने दो लोहे, ऐसी जंग लग जाएगी बाहर, लोहे को पड़ा रहने दो। PCl5 स्थायी अणु है जबकि NCl5 नहीं है, क्यों क्यों नहीं है, तो यहाँ पर आपका एक ही रीजन है सिंपल सा, नाइट्रोजन में आपका कोई जो है डी सबसेल आपका जो है डी कक्षक आपका, डी कक्षक आपका नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, यहाँ पर कैडमियम की गलनीय मिश्र धातु है, कैडमियम की आपकी गलनीय मिश्र धातु कौन सी है, घंटा धातु, मुद्रा धातु, काष्ठ धातु या फिर आपका गुआना धातु। फटाफट से रिविजन के तौर पर आप देखते रहेंगे, 9th का आपका सी हो जाएगा भैया, काष्ठ धातु। उस ऑक्साइड को चिन्हित कीजिए जिसकी जिसकी विशेषता विशेषता आपका उभयधर्मी है, उभयधर्मी है यानी कि उभयधर्मी, एम्फोटेरिक भी कहते हैं उभयधर्मी। यहाँ पर आपका 10th का सी हो जाएगा भैया, SNO2। बात करें क्वेश्चन नंबर आपका 11th की, जल के अणु में बंद कोण लगभग होता है, जल के अणु में बंद कोण यानी कि बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, 104 डिग्री और 30 मिनट। बात करें क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, हीरे का कौन सा गुण शीशे को काटने के लिए महत्वपूर्ण होता है, हीरे का कौन सा गुण शीशे को काटने के लिए महत्वपूर्ण होता है। 12th का यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, कठोर पदार्थ, क्योंकि आपका हीरा बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर भी आपका नेक्स्ट है 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 13 है, निम्न में से गुरुत्व कौन सा है, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, मॉलिब्डेनम, जिंक या फिर आपका मैग्नीशियम। तो यहाँ पर आपका 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैल्शियम। बात करें क्वेश्चन नंबर आपका 14 की, पायराइट को सल्फर के ऑक्सीकरण के लिए वायु में गर्म करना क्या कहलाता है, पायराइट को सल्फर के ऑक्सीकरण के लिए वायु में जब गर्म करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं उस प्रोसेस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में नहीं प्राप्त होती है,
कौन सी धातु आपके मुक्त अवस्था यानी कि फ्री फ्री कह सकते हैं, फ्री अवस्था कह सकते हैं, फ्री पोजिशन कह सकते हैं, अवस्था में नहीं पाई जाती है, तो आपका 15 का ए हो जाएगा भैया सोडियम। सोडियम को हमेशा जो मिट्टी के तेल वगैरह में रखते हैं इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे आपका 16 की, कृत्रिम वर्षा करने के लिए बादलों पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक छिड़का जाता है। देखिए अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं आ सकते हैं क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके लिए बाकी जो अभी यूपी ट्रिपल सी पैट होगा, ठीक है, यूपी प्लस होगा, वहाँ पर आपकी जितनी भी साइंस आएगी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहेगा, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर 16 का ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा आपका, ए जी आई यहाँ पर आपका हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। चलिए आप आयोडाइन कह सकते हैं। चलिए बात करेंगे यहाँ पर आपका 17 का, जर्मन सिल्वर में सिल्वर का कितना परसेंटेज होता है। 17 की बात करें क्वेश्चन नंबर आपका बी हो जाएगा 0%, ठीक है, खाली नाम का है जर्मन सिल्वर। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर आपका 18 का, 18 की बात करेंगे निम्नलिखित में से किस गैस में व्यंजन का गुण है, किस गैस में व्यंजन का गुण है, तो 18 का आपका सी हो जाएगा भैया क्लोरीन। बात करेंगे आगे, जो तत्व तो ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है भाई, क्या कहलाता है आपका हीलियम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा हो जाएगा, 20 का आपका ए हो जाएगा भैया बॉक्साइट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इनमें से किसमें अधिकतम नाइट्रोजन उपस्थित होती है, इनमें से किसमें अधिकतम नाइट्रोजन उपस्थित होती है, अमोनियम सल्फेट में, यूरिया में, अमोनियम क्लोराइड में, आपका सोडियम नाइट्रेट में, तो 21 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा भैया यूरिया में। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर आपका 22 की बात करेंगे, मेथेन अणु में कार्बन के चारों ओर हाइड्रोजन परमाणु की व्यवस्था कैसी होती है, यानी कि सीधे आपसे CH4 का जो है आपसे स्ट्रक्चर पूछ लिया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 22 का आपका कौन सा हो जाएगा, आपको पता है बी हो जाएगा चतुष्फलकीय, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, एथिलीन अणु की आकृति होती है, एथिलीन अणु की आकृति किस प्रकार से होती है, तो आपका 23 का बी हो जाएगा भैया कौन सी आकृति होती है, 23 का बी हो जाएगा समतलीय। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका C2H4 की आपके अणु की आकृति कैसी होती है, क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइएगा। यहाँ पर 24 की हम बात करें, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा समतलीय। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, हेमेटाइट से लोहे के निर्माण में प्रयुक्त चूना पत्र कार्य करता है किसकी भांति कार्य करता है, आपका जो है 25 का बी हो जाएगा भैया गालक की भांति। 27 में नहीं है, यानी कि हमको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फोकस करना, फालतू क्वेश्चन को बिल्कुल भी अभी हम इनको वैल्यू नहीं देंगे। सीसा आपका क्या है, सीसा आपका शुद्ध ठोस पदार्थ है, अतिशीतित द्रव पदार्थ है, आपका जेल है, फिर आपका बहुलक यानी कि पॉलीमर है। मैंने सोचा था ज़्यादा टाइम होगा तो आपको सारे क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन अभी टाइम कम है तो आपको सिर्फ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही फोकस कर रहे हैं। सीसा आपका क्या है, तो आपका 12th का बी हो जाएगा अतिशीतित द्रव पदार्थ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है नेक्स्ट है, इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 12 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, निम्न में से किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, एक्स किरण, यहाँ पर आपका बीटा किरण, यहाँ पर आपका गामा किरण, यहाँ पर भैया आपका अल्फा किरण, इसका आंसर बताइए क्या हो, तो आपको पता है इसमें क्या हो जाएगा, गामा किरण इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, C12 में न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी है, तो आपको पता है न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी है C12 में, बताएगा फटाफट से बताएगा आपका कौन सा, 21 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा C6, ठीक है, यानी कि 6 में जो है न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है। बात करेंगे 22 की, ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न होती है, उनको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक या फिर आपका जो है समदाविक या समन्यूट्रॉनिक या फिर आपका समावेवी। आपने हाई स्कूल में तो उच्च क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो इनमें कोई खास बात यहाँ पर है नहीं, 22 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा समस्थानिक, ऐसे जो है परमाणु को एटम्स को कहते हैं, ठीक है। चलिए मॉलिक्यूल को, चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर आपका 23, निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग आपने सुना होगा, कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है किसकी आयु निर्धारण करने में, ठीक है, तो 23 का आपका ऑप्शन नंबर ए भैया हो जाएगा जीवाश्मों के। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, इलेक्ट्रॉनिक की खोज किसने की थी, एकदम तुच्छा मुच्छा सा क्वेश्चन, इसको ऐसे बता देंगे जे थॉमसन ने। बात करें क्वेश्चन नंबर भैया 25 की, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अनिवार्य है, कोवाल्ट, निकिल, जर्कोनियम या फिर आपका टंगस्टन, तो 25 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जर्कोनियम। क्वेश्चन आपका 5 की तरफ बढ़ेंगे, किसी रोगी को दी जाने वाली नाभिकीय मात्रा की इकाई है, फर्मी, रदरफोर्ड, क्यूरी या फिर आपका रोंटजन, तो आपका 5th का आंसर नंबर कौन सा, डी यहाँ पर हो जाएगा रोंटजन। बात करें क्वेश्चन नंबर भैया 6 की, यदि कैथोड किरणों को किसी चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो उनका प्रक्षेप जो पथ है यानी कि डायरेक्शन है क्या होगी, तो यहाँ पर आपका कौन सा 6 का यहाँ पर आपको आंसर बताना है, इसका 6 का आंसर आपका क्या यहाँ पर सही हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा वृत्तीय, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 भैया, निम्न में से किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है, एक्स किरण, बीटा किरण, गामा किरण या फिर आपका जो है अल्फा किरण, ठीक है, इसमें बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 7 में इसका कैसे आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा गामा किरण। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, यहाँ पर एक्स किरण निम्न माध्यम में न्यूनतम दूरी तय करती है, एक्स किरण
निम्न माध्यम में न्यूनतम दूरी तय करती है, किसमें? वायु में, लोहा में, लकड़ी में, अपने पानी में। तो आपका अर्थ का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोहा में। फ्लॉप यानी कि फ्लॉपी डिस्क एक उदाहरण है। देखिए आपका हमने पहले कहा था कि आपको जो कंप्यूटर के तीन से चार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वह सामान्य ज्ञान के पार्ट में है, ठीक है, और चाहे वह आपका जो यहाँ पर इस वाले पार्ट में, यानी कि आपका लास्ट वाले पार्ट में, यानी कि आपका सब्जेक्ट वाले पार्ट में आए। नाइन्थ का आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, सेकंड स्टोरेज मेमोरी यहाँ पर कहते हैं। एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा फ्लोरेसेंट ट्यूब को अधमान दिया जाता है, क्यों? क्योंकि क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो है यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन जो कि इसका है ही नहीं, ठीक है, मतलब कि जो है एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गई जब टेक्निकल टीम ने यहाँ पर क्रॉस कर दिया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं आपको इसी तरीके समझा जाता हूँ। यहाँ पर आपका ट्यूब में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा लगभग आपको पूर्ण रूप से प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, जो आपकी ऊर्जा होती है पूर्ण रूप से आपके प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11th हो जाएगा। ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन्स की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन्स की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उनको हम क्या कहते हैं? तो अभी आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 11th का आपका ए हो जाएगा, समस्थानिक। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, तो फिर से आपका भी क्वेश्चन आगे घूम फिर के ना, कार्बन डेटिंग अभी तो हमने आपको कराए थे, अभी तो हमने आपको जो ये वाले क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, अभी हमने ये वाले आपको क्वेश्चन कराए थे। यहाँ पर आपका 12th कौन सा ए आपका हो जाएगा, जीवाश्म में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा आपका एक अनिवार्य है? तो इसमें आपका सी हो जाएगा भैया, जर्कोनियम, ठीक है। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फोकस करेंगे, तो अच्छे क्वेश्चन पर नहीं करेंगे। यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर आ चुका आपकी स्क्रीन पर, तो आपका जो यथावत रहेगी यानी कि ऐसे ही रहेगी, क्योंकि कितने भी कट कर लो आपके दो यहाँ पर जो है उसकी जो है ध्रुव होते हैं वे आपके रहेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, यदि किसी धारावाही ऊर्ध्वाधर प्रणालिका को किसी मेढक के नीचे रखा जाता है तो मेढक को वायुमंडल में तैराया जा सकता है या फिर क्यों तैराया जा सकता है? क्योंकि मेढक का शरीर कैसा होता है, मेढक का शरीर किस तरीके से व्यवहार करता है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौहचुंबकीय या फिर आपका प्रतिलौहचुंबकीय। क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका क्या आंसर हो जाएगा, तो सेकंड का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का यहां पर आपका ऑप्शन बताना, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहां पर आप बताएं कि आपका आंसर हो जाएगा, तो इसका आपका बी हो जाएगा, प्रत चुंबकीय पदार्थ की तरह। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, निम्न में से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय है, कौन सा पदार्थ आपका एक अनुचुंबकीय होता है, तो यहाँ पर आपका एल्युमिनियम जो है आपका अनुचुंबकीय होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर भैया फोर्थ की, विद्युत चुंबक का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, आहान घंटी यानी कि टन जो घंटी आपकी बजती है उसमें किया जाता है विद्युत चुंबक का प्रयोग, ठीक है। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फोकस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका ये रहा, चोक कुंडली होता है, ठीक है, चोक कुंडली होता है, इसका आपको आंसर करना, चोक कुंडली क्या, तो यहाँ पर आपका जो चोक कुंडली क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, उच्च प्रेरक तत्व और आपका कम प्रतिरोध, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट जो भी आपका 7 है, 7 को देखेंगे भैया, जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो क्या होता है, जब कांच की छड़ को थोड़े से क्वेश्चन और बचे, दो चार फटाफट उनको देख लेते हैं, जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो क्या होता है, तो आपका सिल्क को जो है इलेक्ट्रॉन देगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका अर्थ है, ताप के बढ़ने परावैद्युतांक स्थिरांक जो आपका K है, इसका मान क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, फिर आपका जो अपवर्तित रहता है, इसको आपको बताना क्वेश्चन नंबर 8 का, तो यहाँ पर आपका घट जाएगा इसका मान ताप यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने पर। निम्न में से आपका कौन सा कथन सत्य है, तो आप चारों कथनों को अच्छे से पढ़िएगा फिर आप आंसर करिएगा, लगातार आपको आंसर करते हैं कमेंट बॉक्स में, आपके यहाँ पर क्विक रिविजन के तौर पर आप इस क्लास को लीजिएगा, ठीक है, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो 9th का आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, द्रव ओम के नियम का आंशिक पालन करता है, ठीक है। विद्युत लेपन से क्या नहीं होता भैया, एकदम बिल्कुल नहा चुके हैं पसीने से, ठीक है। चलिए आप लोग इसमें बताएं क्वेश्चन नंबर आपका 10th क्या आपका होगा, विद्युत लेपन से नहीं होता, तो 10th का आपका सी हो जाएगा, धातुओं का कठोर होना। निम्न में से कौन सा यंत्र, देखिए आप सेल दी हमें, इसलिए फटाफट से क्वेश्चन करा रहे हैं, बिल्कुल आप लोग शांति से क्वेश्चंस को करते रहिए, और प्लीज़ आप लोग थोड़ा सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित करता है, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, विद्युत मोटर, ठीक है। चलिए भारतवर्ष में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी आपकी आवृत्ति होती है, तो यहाँ पर आपका 50 हर्ट्ज हो जाएगा, किलोवाट घंटा एकक को निरूपित करता है किलोवाट घंटा, तो हमने आपको ये अभी साइंस की जो एक क्लास ली थी उसमें हमने बताया था ऊर्जा इसका जो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका भैया 14 है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, 14 का आपको बताना है, कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा को वोल्टता के रूपांतरण के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, जो भी आपका क्वेश्चन है, जब कोई तरंग किसी दर्पण से परावर्तित होती है तो आपका परिवर्तन आता है किसमें, उसके आयाम में, आवृत्ति में, यानी कि तरंग दैर्ध्य में या फिर आपका वेग में, तो यहाँ पर 40 सॉरी यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आपका जो आंसर आपका ए हो जाएगा,
आयाम में। एक ही ताप व दाब पर ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, कहाँ होती है? आपका नाइट्रोजन में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, इसको हम देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो आपको पहले में बताया आकाश जो है किस कारण यहाँ पर आपका नीला दिखाई देता है, आपको बताना क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का क्या। बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है प्रकीर्णन आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तालाब के किनारे खड़ा व्यक्ति तालाब की तली पर मछली को देखता है, मछली को शूट करने के लिए निशाना लगाना होगा, कहाँ निशाना लगाना होगा, कहाँ निशाना लगाना होगा? मछली के कुछ नीचे, ठीक है, क्योंकि पानी के अंदर है। बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड, बात करें क्वेश्चन नंबर सॉरी फिफ्थ, यहाँ पर किसी मनुष्य के चश्मे की प्लस टू डायोप्टर जो है शक्ति है, प्लस टू डायोप्टर है, उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? आपसे नंबर निकलवाने जाता है चश्मे को, आपका यही नंबर होता है प्लस टू प्लस फाइव, यही वाला नंबर होता है। तो इसमें आप बताएंगे प्लस आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर प्लस टू तो आपका दूरदृष्टि दोष उसमें हो जाएगा। अगर लेंस की शक्ति आपका प्लस सिक्स डायोप्टर है तो उसके लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो आप इसको याद कर लीजिएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 16.67 आपका सेंटीमीटर होगी। कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों के अंतर को क्या देखकर जान सकता है? एक आपका सूक्ष्मदर्शी, एक आपका दूरदर्शी यंत्र है, उसको उसमें दोनों में क्या डिफरेंस होगा कि हम उसको जान सकते हैं? ठीक है, लंबाई रंग, तो ये तो फालतू की बात है, लंबाई रंग में कोई साइंस का काम ही नहीं होता है। ठीक है, इसमें हम चलेंगे ऑप्शन जो भी आपका होगा, ऑप्शन नीचे यहाँ पर है या नहीं है, ऑप्शन का नहीं है तो उसको हम इस प्रकार बता देना आपका सेवंथ का यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा। सेवंथ का यहाँ पर आंसर सुन लीजिए कहाँगे आपका ये रहा भैया, ये रहा आपका सेवंथ का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका जो है ये तो फालतू की बातें हैं, आपका लेंस की लंबाई और आकार देखकर, लेंस की लंबाई और आकार देखकर आपको जो है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों को आपको अंतर कर सकते हैं लंबाई और आकार देखकर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कहता है, इसको भी आपने देख ही लिया होगा, बार बार इसको दिखाने से कोई फायदा है नहीं, आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली सभी चीज़ें कॉन्सेंट पिक जो भी आपको यहाँ पर पूरी आपकी संपूर्ण जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिल सके और ऑथेंटिक आपको जानकारी मिल सके, फालतू की जानकारी से बचें, इधर उधर आप लोग बिल्कुल भी ना भटकें। ठीक है, चलिए नाइन्थ आप बताएंगे, रंगीन कांच के स्थान पर पोलराइड के बने आपको बताना है चश्मों की उपयोगिता क्या है। ठीक है, रंगीन कांच के स्थान पर पोलराइड के बने चश्मों की उपयोगिता यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर नाइन्थ के यहाँ पर आप आंसर बताएंगे, आजकल ब्लू कट वाले आपके चश्मे बहुत चले ना, ब्लू कट लेंस के आपको बताते हैं जब आप शॉप पर जाते हुए, तो नाइन्थ का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ये आंखों में चौंध उत्पन्न करने वाले प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ट्वेल्थ है, अंशतः पानी में डूबी हुई छड़ी टूटी हुई प्रतीत होती है क्यों? अगर आपकी छड़ी आधी डूबी हुई पानी में तो आपको टूटी हुई प्रतीत होती है, ऐसा क्यों होता है? अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन आपका 13 है, बस दो चार क्वेश्चन और बचे हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो भैया 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस। चलिए, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा, कैसे काम करेगा? उत्तल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह, या फिर आपका उत्तल दर्पण, या फिर आपका अवतल दर्पण, तो 14 का सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर आप लोग 15 को देखेंगे यहाँ पर, दर्पण का सूत्र केवल तभी सत्य है जब क्या? चलिए इसको देख लेते हैं, बाकी आगे नहीं देखें क्योंकि हमें प्रीवियस क्वेश्चन देखने। ठीक है, तो आप 15 का आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, दर्पण का द्वारक आपका छोटा होता है। आपका ये आ चुका आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसी मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर की यहाँ पर बात की गई है, तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री का फॉरेनहाइट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 22nd है, किसी कृष्णा का ताप जो 100 डिग्री से बढ़कर आपका 437 हो जाता, तो उसकी ऊर्जा क्या होगी? तो इसको आपको कैलकुलेशन करना होगा, फॉर्मूला लगा कि इसको आप आराम से कैलकुलेशन जो करते रहिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, हम आपको आंसर बता देते हैं यहाँ पर, आंसर इसका जो है क्या सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको थोड़ा बता ही देते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं, चलिए बता ही देते हैं इसको साइड से हम बता ही देते हैं फटाफट से। इसको देखिए यहाँ पर इस प्रकार का फॉर्मूला होता है, ई अनुक्रमानुपाती T की पावर 4। ठीक है, इस प्रकार से होता है, तो इसी प्रकार से मान लेंगे E1, ठीक है, E2 और आपका T1 और T2, इसके दोनों की पावर आपका हम यहाँ पर 4 मान लेते हैं। ठीक है, और ये आपका डिग्री सेल्सियस में, इसको हमें कैल्विन बदलना पड़ेगा। ठीक है, कैल्विन इसको बदलना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से आपको 273 से आपको इसको ऐड करना पड़ेगा। इस छोटे मोटे क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर हाई स्कूल में किए होंगे, ठीक है, इसकी पावर 4 हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा 373 भैया, और नीचे आपका हो जाएगा 746। ठीक है, 746 हो जाएगा, ये आपका 373 दूनी होते हैं आपका 746, तो आपको 1/2 का जो है आपका स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 का, सॉरी 1/2 का आपका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 × 4 × 8 × 16, यानी कि 1/16 हो जाएगा, यानी कि 16 गुना आपका हो जाएगा, E2 बराबर आपका 16 ई बनाएगा, यानी कि 16 गुना यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर 13 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी बिंदु पर वस्तु से आने वाले ऊष्मीय विकिरण की तीव्रता वस्तु से बिंदु की ओर, आपको पता है इसमें क्या होता है, समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसमें आपको बताना क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या आंसर हो जाएगा, 3 में आपको बताना डी हो जाएगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
स्थिर ताप पर गैस का आयतन 20% कम करने के लिए उसका दाब कितना बढ़ाना होगा। स्थिर ताप पर गैस का आयतन 20% कम करने के लिए उसका दाब कितना बढ़ाना होगा, तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा 25%। ठीक है, ये भी आपका कैलकुलेशन से ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है फॉरेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान है। फॉरेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान है 7th, यहाँ पर है क्वेश्चन, आपका सी हो जाएगा माइनस के 460 डिग्री फॉरेनहाइट। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, 9th का आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा टेम्परेचर पर। साफ रातें हिमाच्छादित रातों से ठंडी होती है। साफ रातें आपकी जो होती है वह आपका हिमाच्छादित रातों से ठंडी होती है, क्यों होती हैं, तो सी हो जाएगा आपका विकिरण के कारण। क्वेश्चन नंबर ये आपका 11 है, संघनन क्या होता है, संघनन आपका जो होता है बाष्प का द्रव्य में बदलने को हम संघनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त तो होता है, इतना टेम्परेचर नाप सकता है, वह आपका थर्मामीटर कौन सा होगा, तो थर्मामीटर आपका कौन सा होगा, आपका पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, बर्नर पर रखे एक फ्लास्क में पानी गर्म किया जा रहा है, इसका क्वथनांक घटाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका क्वथनांक घटाने के लिए हमको जो है फ्लास्क के मुंह का संबंध जो निर्वात पंप से कर दिया जाए, तो उसको जो है पानी के ऊपर दाब कम कर सकते हैं और जो उसका क्वथनांक हम लोग घटा सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, कमरे में रखे हुए एक चालू रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज के दरवाजे को खुला छोड़ दिया जाए, तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा, आपने बचपन में क्वेश्चन सुना होगा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग बताएंगे। यहाँ पर कई लोग पूछते भी हैं कि अगर आपके कमरे में फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, तो कमरे का टेम्परेचर धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे भैया। आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन का मतलब है कुछ लास्ट 3-4 क्वेश्चन है। दाब का विमीय सूत्र हो जाएगा, दाब का विमीय सूत्र आपको याद कर लेना है, Mr - T - 2 होता है। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है, किसी पदार्थ का वह केंद्र, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सेकंड का, यहाँ पर आपको बताना क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, दोलन केंद्र, निलंबन केंद्र, द्रव्यमान केंद्र, आपका गुरुत्व केंद्र, तो भैया इसमें आपका तीसरा हो जाएगा गुरुत्व केंद्र। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन और बचे, मतलब कि फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा गुरुत्व केंद्र, सॉरी, लिफ्ट के अंदर के आदमी का भार अधिक होता है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपके कई बार आपको पूछे आ चुके हैं आपके काफी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। ठीक है, लिफ्ट के अंदर आदमी का भार अधिक होगा कब, जब लिफ्ट आपके ऊपर की ओर जा रही होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन से आपके सदस्य राशि, सदस्य हमने आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, ट्रिक के माध्यम से भी आपको समझाया था, भार हो जाएगी आपकी सदस्य राशि और श्यानता की SI इकाई यहाँ पर क्या होगी, तो यहाँ पर 6 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पॉइज, आपने काफी सारा पढ़ा होगा इसको, तो यहाँ पर आपका पॉइज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है या नहीं, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल आपका नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर संवेग तथा बल में संबंध, 2-3 क्वेश्चन बचे मुश्किल से, संवेग तथा बल में संबंध, प्लीज भैया लाइक करते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिएगा, पसीने एकदम टपक टपक के जो मेरे मुंह के अंदर जा रहा है, काफी नमकीन है, काफी अच्छा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग अर्थ बताएंगे, संवेग तथा बल में आपका क्या संबंध हो जाएगा, अर्थ का आपका डी हो जाएगा भैया, Ft - mv - mu। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, जो भी आपका होगा, मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है। ठीक है, बॉडी जो आपकी होती है मृत, भाई आपका पानी में क्यों तैरती है, अपने आप ही तैरती है, तैराना नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर आपको क्यों तैरती है, आपको पता है, इसमें आंसर भी लगा, शरीर द्वारा विस्थापित पानी का भार शरीर के भार से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर आप 19 देखेंगे भैया, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, बता बता कर आपको छक गए हैं, दूरी का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट, आपका अंतिम, एक फेम्पोमीटर किसके तुल्य होता है, एक फेंटोमीटर आपका जो है 20 का डी हो जाएगा, 10^-15 मीटर होता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद क्लास को देखने के लिए, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, और क्या करना है आपको, अपने एग्जाम को अच्छे से देना, आपको भरपूर नींद लेनी, अब आप आराम से सो जाइए शांति से। ठीक है, अगर हमारा कोई 5 मिनट का मैसेज आएगा तो आएगा, वरना आपको 5 मिनट कोई वीडियो नहीं आएगी। ठीक है, आएगी तो हम सोचना जल्दी अपलोड कर दें, वरना अर्ली मॉर्निंग अपलोड कर देंगे। छोटी सी इन्फॉर्मेशन, कोई खास इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, हमारे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए काफी, यानी कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ द लक, आप लोग बहुत अच्छे से एकदम एग्जाम को फाड़ कराएंगे, हमें पूरा पर विश्वास है। ठीक है, और मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, यहाँ पर एग्जाम की एनालिसिस भी करेंगे, और शाम को कुछ आपसे बिल्कुल एकदम शांति के पल में बैठ के आपसे कुछ बातें भी करेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।